साला सबको कुछ ना कुछ चाहिए यहाँ पे। छह फुटिया सांड दिख रहा है वहाँ पे, पहलवान है, चूहा चाहिए उसको, पता नहीं कहाँ डालेगा। अरे जेलर, साले का पेट तो भरता ही नहीं है। मोबाइल फोन ले लिया, रोलेक्स वॉच चाहिए उसको। रिलीज पेपर दे रहा है मेरे को जो रोलेक्स वॉच दूंगा। HMD पहनने की औकात भी नहीं है साले की। चैंप, तू बोल सकता है? फिर तू तो पागल भी नहीं है। किसी से कहना मत, नहीं तो लोग तुझे पागल समझेंगे। 15 साल से जिसके ऊपर लोग चाल और रहम की भीख फेंकते आ रहे हैं, वह अचानक ठीक कैसे हो गया? सुन, तू मुझे यहाँ से निकाल, मैं जानता हूँ तू निकाल सकता है। मेरे बाप का जेल है और मैं क्यों निकालूं? मैं अपनी बेटी को बहन के पास छोड़ आया था, अब मेरी बहन नहीं रही, वो अकेली होगी। तो 10 करोड़ के हीरे हैं मेरे पास, आधे तेरे। नहीं, 3 दिन बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे लफड़े में नहीं पड़ना। मोबाइल अवेल चाहिए तो बोल देना मेरे को। फाइट छह महीनों की सजा काटने के बाद मैं निकल पड़ा खुले आसमान की ओर। धूप काफी थी और साले जिला ने मेरे चश्मे तक मार लिए। चोर साला, वहां से मैं सीधा गया मेरी रोजा के पास। Hey guys, let's raise a toast to my beautiful wife Rosa. Bastard. बस वही मेरी लव स्टोरी का दी एंड हो गया। जिंदगी गाड़ी अभी तेज भगानी थी। रघुवीर की बात में अगर जरा भी सच्चाई है तो 5 करोड़ के हीरे, रोलेक्स घड़ी के बदले मैंने जाली रिलीज पेपर जेल के अंदर भिजवा दिया। जेलर कमीना था, ओरिजिनल, पर जबान का पक्का। श्योर, डोंट वरी, थैंक यू। पंद्रह साल बाद बाजीगर जेल से बाहर निकल रहा था और मुझे मेरे 5 करोड़ दिखाई दे रहे थे। इतने साल बैंकॉक में रहा, कभी जगह पे नहीं आया। हीरे कहाँ हैं? तुम यही रहते हो? हीरे कहाँ हैं? तभी सुनो, अगर हीरों के बारे में बताना है तो बोलो, वरना वो बंद रखो। कहाँ हीरे? क्या मुसीबत है। डीआईजी को तो पता चलना ही था, लेकिन इतनी जल्दी ये मैंने नहीं सोचा था। चेलर ने आधी फोर्स को अपनी घड़ी दिखा दी और वही घड़ी उसकी हथकड़ी बन गई। एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, लेकिन आपका बड़ा ही कमीना दिमाग है।
जिस औरत के हीरे चोरी हुए इंश्योरेंस ने उसको पैसा दे दिया, थाईलैंड पुलिस को उनका कैदी मिल गया, सजा काटने के बाद आपने फिक्स डिपॉजिट तोड़ा, हीरे निकाले, लाइफ सेट। बड़ा ही कमीना दिमाग है, बड़ा प्लान। अच्छा, हाँ, अरुदी,